अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रामास में आपने देखा होगा कि एक दूसरे को गोली मार दी जाती है, और गोली मारने का सीन कैसे शूट किया जाता है और वो खून कहाँ से आता है, आइए आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। ड्रामास में बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जो कि बहुत ही एहतियात के साथ शूट किए जाते हैं, ताकि एक्ट्रेस या एक्टर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। हाई ड्रामा में ये वाला सीन देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, जबकि इसके कैमरा के पीछे इसके मनाजर बिल्कुल उलट दिखाए गए। देख सकते हैं आप कैमरा के पीछे किस तरह मस्ती चल रही है। लोग ये सीन देखकर ये समझ रहे थे कि सचमुच गोली लग गई, और लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए। देख सकते हैं आप कैमरा के पीछे ये गोली इस तरह मारी जाती है कि आवाज़ पीछे गोली की लगा दी जाती है, जबकि जैसे ही दिखाया जाता है कि गन चली है और कैमरे को वहीं स्टॉप कर लिया जाता है। जब दूसरी तरफ कैमरा खोला जाता है तो उस पर बहुत सारा कलर फेंक दिया जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे इसको सचमुच में गोली लग गई। देख सकते हैं आप हाई ड्रामा के सीन काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ेदार देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसके कैमरा के पीछे के जो मनाजर आप देखेंगे वो आपको उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई देंगे। यहाँ पर नूरुल हसन को गोली लगती है और कैमरा के पीछे यहाँ पर ये डांस कर रहे होते हैं और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। फैसल कुरैशी का कहना है कि उन्हें खाई ड्रामा में काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस तरह का उनका किरदार है इस ड्रामा में तो उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको खाई ड्रामा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द देखो न्यू वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।